मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत रायपुर में 2019 में पाखंडी बाबा ने झाड़फूंक के नाम से चितरंगी सिंगरौली से आई महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। रीवा में माननीय जिला न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के बाद पाखंडी बाबा को 7 साल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। झाड़ फूंक के दौरान दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को 7 साल हरिजन एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हम आपको बता दें, 2019 में रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत रायपुर करचुलियान में ही एक मामला सामने आया था, जहां राम सुमन विश्वकर्मा झाड़ फूंक का काम करता था। उसकी प्रसिद्धि काफ़ी दूर दूर तक थी। उसके पास काफ़ी दूर दूर से लोग झाड़ फूंक कराने के लिए आते थे। इसी दौरान चितरंगी सिंगरौली से भी एक महिला झाड़ फूंक कराने आई। राम सुमन विश्वकर्मा ने उसके साथ झाड़ फूंक करने के बहाने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत महिला ने रायपुर करचुलियान थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मामला पंजीबद्ध करके न्यायालय में पेश किया, जहां पर लोक अभियोजक राकेश निगम ने मामले की पैरवी की। माननीय न्यायालय ने महिला की शिकायत सही पाए जाने पर धारा 376 ए के तहत आरोपी को अश्लील हरकत करने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई। वहीं धारा 325 जिसमें हरिजन एक्ट के तहत सबसे कम सजा आजीवन कारावास का प्रावधान है, क्योंकि महिला SC ST हरिजन एक्ट के दायरे में आती थी। पुरुष पिछड़े वर्ग का था, वो जानता था, महिला हरिजन एक्ट के दायरे में भी आती है, जिसकी सबसे कम सजा आजीवन कारावास की है, उसको भी सुनाई है। आजीवन कारावास और 7 साल दोनों सजा सुनाई गई है। इस बात की जानकारी लोक अभियोजक राकेश निगम ने देते हुए बताया, 2019 के मामले हैं, लगभग 4 साल कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने ये फैसला सुनाया। आइए आपको सुनाते हैं लोक अभियोजक राकेश निगम मामले की जानकारी को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है, दुष्कर्म के प्रयास में 7 साल, क्योंकि महिला SC ST एक्ट के तहत आती थी, इसलिए धारा 325 के तहत आजीवन कारावास, दोनों सजा एक ही व्यक्ति को सुनाई गई है। ये थाना रायपुर करचुलियान के अंतर्गत ये आरोपी राम सुमन विश्वकर्मा उर्फ राम सुमिरन विश्वकर्मा, इसके यहाँ पीड़िता सिंगरौली चितरंगी से आई थी झाड़ फूंक कराने के लिए, और झाड़ फूंक के दौरान उसने उसके साथ अश्लील हरकत की और ये कहा कि इस पर उसके कपड़े वगैरह उतर गए, और थाना रायपुर करचुलियाल में उसकी रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया गया 376 ए और 325 का मामला जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में विवेचना के दौरान ये पाया कि आरोपी राम सुमन उर्फ राम सुमिरन के द्वारा पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की गई, जिस पर 376 ए और 325, चूँकि वो महिला हरिजन आदिवासी की है और ये राम सुमन ये पिछड़ा वर्ग का है, और इसलिए हरिजन आदिवासी को जानते हुए उसके साथ ये गलत काम किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने 376 ए में 7 वर्ष की सज़ा और 325 जिसकी मिनिमम सज़ा आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास के तहत उसे दंडित किया गया है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।